हाल ही में यूएस ने एक अनाउंसमेंट की जिसमें उन्होंने कहा है कि रशिया एक मेजर साइबर अटैक कर सकता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ऊपर। इस साइबर अटैक का टारगेट होंगे यूएस की बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, एप्पल जैसी बड़ी कंपनीज। इसी को देखते हुए यूएस ने अपनी सभी यूएस कंपनी को अपनी साइबर सिक्योरिटी बढ़ाने को कहा है। इसके साथ ही यूएस ने रशिया को चेतावनी भी दी है कि यदि रशिया ने ऐसा कुछ भी किया तो रशिया उसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने के लिए तैयार रहे। रशिया पहले ही उस लिस्ट में टॉप 5 नेशंस में आता है जहां सबसे डेंजरस और बड़ी मात्रा में हैकर्स मौजूद हैं। अकॉर्डिंग टू एबीसी न्यूज़, दुनिया का 4.7% ऑफ हैकिंग ट्रैफिक रशिया से होता है और रशिया चौथे स्थान पर आता है। इसके साथ ही अभी हाल ही में रशिया पर यूक्रेन समर्थक हैकर्स ने वॉर डिक्लेयर कर दिया था, जैसा आप आर्टिकल देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर बियॉन्ड, और जिसमें रशिया की सरकारी वेबसाइट उन हैकर्स द्वारा हैक कर ली गई थी। इसमें रशिया के सरकारी न्यूज़ चैनल रशिया टुडे पर भी उन हैकर्स ने हमला कर दिया था। तो हो सकता है कि उनमें से ही कुछ एनोनिमस हैकर ग्रुप यूएस से भी हों जिन पर रशिया अटैक करने की प्लानिंग कर रहा हो, क्योंकि रशिया यूएस कंपनीज पर साइबर अटैक करने वाला है। ये केवल यूएस का दावा है जो कि होगा अपनी इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन के बेस पर। अभी इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन कितनी सटीक है ये तो वक्त ही बताए। खैर, इससे पहले भी रशिया पर यूएस और उसके एलाइज पर साइबर अटैक करने के बड़े आरोप लगते रहे हैं। इसमें साइबर अटैक था 2021 में यूएस का कॉलोनियल पाइपलाइन रैंसमवेयर अटैक, जिसमें कॉलोनियल पाइपलाइन कंपनी को हैक कर लिया गया था। उसके बाद कुछ दिनों तक यूएस में ऑयल की काफ़ी शॉर्टेज हुई, जिसके बाद कंपनी ने 5 से 10 मिलियन डॉलर्स बिटकॉइन पे किए अपने डेटा वापस पाने के लिए। इसके इल्जाम यूएस द्वारा रशियन हैकर्स पर लगाया गया। तो यही वजह है कि यूएस एडमिनिस्ट्रेशन रशियन हैकिंग को लेकर काफ़ी चिंतित है। इसीलिए यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी कंपनी इसको पहले ही वार्निंग दे दी है। तो आगे की अपडेट्स में हम आपको देते रहेंगे। देखते रहिए AI उसी अपडेट।